हेलो दोस्तों, मैं आनंद इलेक्ट्रीशियन और आप देख रहे हैं अपना चैनल गौतम बुद्ध टेक्निकल चैनल। तो आपके अपने गौतम बुद्ध टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, 3 स्विच, 1 सॉकेट, 1 किटकैट फ्यूज और 1 होल्डर का कनेक्शन कैसे करते हैं, तो चलिए फटाफट आज ये भी सीख लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप नीचे जितने भी देख पा रहे हैं, ये सब स्विच के टर्मिनल हैं। इन स्विच के टर्मिनलों को आपको अच्छी तरीके से इनको ढीला करना होगा। इनको ढीला करने के बाद से दोस्तों आपको एक तार की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तार का इंसुलेशन को मैंने अच्छी तरीके से हटा लिया हूँ। हटाने के बाद से दोस्तों इन तारों को अच्छी तरीके से एकत्रित कर लिया हूँ। एकत्रित करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, इन स्विच के निचले वाले टर्मिनल से लगा करके आपको अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। इन टर्मिनलों को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद से जो आप एक तार देख पा रहे हैं, इस तार को लेकर के फ्यूज के निचले वाले टर्मिनल में लगा करके आपको अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक और छोटे से तार की आवश्यकता पड़ेगी। इस तार को लेने के बाद से आपको स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगा करके अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। इसके बाद से दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं, तार का एक सिरा आपको जो बचा है, इस तार को लेकर के आपको सॉकेट के एल वाले टर्मिनल में आपको अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। इसके बाद से दोस्तों ये जो आप 2 तार देख पा रहे हैं, ये आपका ये होल्डर से निकला हुआ तार है, जो कि मैंने जब होल्डर को टाइट कर रहा था उसी वक्त इसको दोनों तार को अच्छी तरीके से निकाल लिया हूँ। इसको लेने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगा करके अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होल्डर का जो दोनों में से किसी भी एक तार को आप ले करके अच्छी तरीके से टाइट कर सकते हैं। इसके बाद से दोस्तों ये जो आप एक देख पा रहे हैं स्विच जो है आपका खाली, इसमें दोस्त आप पंखा का तार ला करके कनेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी और बल्ब को जलाना चाहते हैं तो उस बल्ब को भी लेकर के कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से दोस्तों आपका जो एक तार देख पा रहे हैं, इस तार को लेना होगा और ये जो एक इधर का तार देख पा रहे हैं, इसको आपको लेना होगा। इन दोनों तारों को लेने के बाद से आपको इनको अच्छी तरीके से एक साथ कनेक्ट करना होगा। इसके बाद से दोस्त आपको एक तार की और आवश्यकता पड़ेगी। एक तार को लेने के बाद से आपको इसको भी अच्छी तरीके से इन्हीं तारों में अच्छी तरीके से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद से दोस्त ये जो तीनों तार आप देख पा रहे हैं, इनको लेकर के आपको अच्छी तरीके से सॉकेट के एन वाले टर्मिनल में आपको अच्छी तरीके से कनेक्ट करना होगा। इसके बाद से दोस्त ये जो आप तार देख पा रहे हैं, ये आपका मेन के लिए तार हो जाएगा, जो कि न्यूट्रल के लिए होगा। इसके बाद से दोस्त आपको एक और तार की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तार को लेने के बाद से आपको फ्यूज के ऊपर वाले टर्मिनल में आपको अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। तो दोस्त, जैसे आप देख पा रहे हैं, आपका एक इधर से तार निकल गया है, इसके बाद से आपका एक तार इधर से निकल गया। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप पीले रंग का तार देख पा रहे हैं, ये जो कि फेज के लिए प्रयोग किया गया है, लाइन के लिए, और ये जो आप सफ़ेद वाला तार देख पा रहे हैं दोस्त, ये वाला आपका न्यूट्रल के लिए प्रयोग किया गया है। जो पोल से तार आता है दोस्त, वो जो काला वाला तार होगा वो सफ़ेद वाला में जोड़ दिया जाएगा, और जो लाल वाला होगा दोस्तों वो पीले वाले तार में आपको अच्छी तरीके से जोड़ना होगा। इसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये जो आप फ्यूज देख पा रहे हैं,
इस किट के फ्यूज को आपको निकाल करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें आपको क्या करना होता है, या इसमें आपको तार बांधना होता है जो कि फ्यूज के लिए। तो दोस्त आपको बिल्कुल बारीक तार को इसमें लेकर के बांधना होता है। अगर मोटे तार को इसमें बांध देंगे तो आपका क्या होगा, ये वाला तार न जल करके आपका ये जो सॉकेट होता है, यही सॉकेट आपका जल जाएगा। तो दोस्तों आपको इसको लेकर के आपको अच्छी तरीके से बांधने के बाद से आपको इसमें लेकर के लगा लेना होता है। और इसके बाद से दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप दो तार देख पा रहे हैं, इन दो तार को ले जा करके आप लाइट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आप लोगों का कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।